हेलो दोस्तों, आज आप जैसा कि देख रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी, जिसके लिए हमने ये जो फिश है वो 1.5 किलो फिश ले रखा है। बहुत अच्छे फसे, इसमें कांटे बहुत कम होते हैं। हमारी भाषा में, हमारी जगह पे इसे बचवा भी बोलते हैं। इसमें कांटे बहुत कम होते हैं। आज हम आपको इस मछली की रेसिपी बनाना सिखाएंगे, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, और हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। आप चाहें इसमें तो नींबू भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ नींबू नहीं डाल रहा, नींबू से एक खट्टेपन का स्वाद आता है। ये हमारे पास है मछली का अंडा। अब हम इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर मैरिनेशन अब हम अपने फिश को करेंगे डीप फ्राई। इसे फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक। आपको बहुत ज़्यादा इसे रेड और ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है, इससे मछली का टेस्ट जो है वो चला जाता है। इसको फ्राई करते समय आप यहाँ हाथों पे तेल गिर सकता है, बहुत आराम से डालें। हमने अपने फिश को कर लिया है फ्राई, देख रहे हैं आप कितना अच्छा इसका रंग आया है, कलर आया है गोल्डन ब्राउन होने तक। ऐसे ही आपको फ्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा रेड इसे नहीं करना है। हमें अपने फिश करी के बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है सरसों, थोड़ी सी गोरकी, लहसुन और आदि। इसके साथ साथ एक और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, वो है हमारे टमाटर, जिसकी हमने प्यूरी बना लिया मिक्सी में इसे ग्राइंड करके। बस बिल्कुल इतनी सी ही इंग्रेडिएंट के साथ हम बहुत अच्छी फिश करी बनाएंगे। अब हम अपने इन मसालों को मिक्सी के जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। सारे मसालों को एक साथ मिला करके हम इसे एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों, हमने अपने मसाले को कर लिया है ग्राइंड। ग्राइंड करने के साथ साथ हम इसमें अभी इमीडिएटली ही अपने सूखे मसालों को कर लेंगे मिक्स, जिसमें कि मैंने 2 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च पाउडर। इन सबको हम अभी इसी मसाले में मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करते हैं। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, मैंने इसीलिए ये स्टेप आपको बता रहा हूँ। नमक आपको नहीं मिलाना है अभी। हमने अपनी सारी मछलियों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं तेल बिल्कुल गर्म है। अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च, थोड़ा सा मेथी। जो मसाले हमने ग्राइंड किए थे वो मसाले अब हम इसमें करेंगे ऐड। आपको इसे बिल्कुल स्टीयर करते रहना है, चलाते रहना है। कंसिस्टेंटली आप इसे चलाते रहें।
अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने टमाटो प्यूरी को। मसालों को करते रहें फ्राई। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने टमाटर डाला है, अभी इमीडिएटली हम नमक डालेंगे, इससे टमाटर अपना सारा पानी छोड़ देगा और मसालों का एक बहुत अच्छा कलर टेक्सचर आएगा। देखिए दोस्तों, हमारे मसाले बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तेल बिल्कुल अलग हो गया है, मसाले बिल्कुल अच्छे फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर इसका आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आपको कितनी ग्रेवी रखनी है उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हमने अपनी मछलियों को इसमें ऐड कर दिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे। हमारी मछलियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे हम गार्निश करेंगे बस धनिया पत्ते से। ये हमारे पेट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब दोस्तों आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।